अगर तुम इस वीडियो के ऊपर डायरेक्ट आ गए हो और तुमने डे 3 अभी तक नहीं देखा है तो ट्रस्ट मी, तुम लोगों को पहले वो ही वीडियो देखनी होगी, क्योंकि उस वीडियो का मजा लिए बगैर तुम इस वीडियो के ऊपर उस एंथुसियाज्म से नहीं आ सकते। तो अभी के अभी ये वीडियो यहीं छोड़ दो, ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही होगी, डे 3 देखो। और अगर इन केस तुम उनमें से हो जिन्होंने इस सीरीज के डे 1 डे 2 भी मिस कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट भी आ रही है ऊपर, पहले वो प्लेलिस्ट पूरी देख लो। और हर वीडियो के लास्ट में मैंने अगले वाले पार्ट का लिंक दे रखा है, तो वहां से तुम अगले वाले वीडियो के ऊपर भी आराम से जा सकते हो। और अब जो लोग बच गए हैं, डे 4 शुरू करते हैं। बहुत तगड़ा गया अभी तक ये हमारे तीनों दिन, और जल्द से जल्द हमें लीड जितनी ज्यादा हो सके उतनी लेनी है, और उसके बाद ऑल आउट नहीं हुए तो डिक्लेयर कर देंगे। तो वीडियो को देखना लास्ट तक, चैनल के ऊपर नया तो कर लो सब्सक्राइब, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, और मैं मिलूंगा अगले वाले इंट्रो के साथ में। बाय बाय। दिन की शुरुआत करेंगे मिशेल सैंडलर, और बढ़िया प्ले ऑन कर दिया है, और पुज्जू भाई ने एक सिंगल चुरा लिया है। बहुत बाउंस है यार, फोर्थ डे पे भी इस पिच में बहुत बाउंस है। ऑलमोस्ट गुड लेंथ डिलीवरी थी और टॉप ऑफ द बैट लगी है। अरे क्या बात है पुज्जू भैया, बैकफुट पर जाके बहुत बढ़िया तरीके से खेल लिया, और अरे ओवरथ्रो के भी रन आते हुए। ये लोगों ने दिन की शुरुआत अपनी स्पिनर से करवाई है, मतलब पेसर्स को बचा के रख रहे हैं बाद के लिए ये लोग। गैप में अगेन, और दिन का पहला चौका आता हुआ रोहित शर्मा के बल्ले से। अबे आउटफील्ड यार, चौका तो नहीं आएगा पर तिग्गा आ जाएगा दिन का पहला। मयंक अग्रवाल जब कल आउट हुआ था, ओए किल्लियां उड़ गई। हाँ तो मैं कह रहा था, मयंक अग्रवाल जब कल आउट हुआ था तो 60-70 पे था रोहित शर्मा, और अब पुज्जू भाई और रोहित शर्मा का स्कोर देखो ऑलमोस्ट इक्वल है। एक या डेढ़ सेशन में T20 खेल के सेंचुरी बनाई है पुज्जू भाई ने। सैंटिविया वापस आ गए हैं IPL में, तो बॉलिंग खेलने का ही मौका नहीं मिला, देखते हैं यहाँ क्या कर पाते हैं। रिस्की सिंगल है और मिल जाएगा, गलत एंड पे थ्रो, लेकिन वहाँ पे भी जान अलग में थी। कल की इनिंग्स के बाद में काफ़ी मेरे को सुनने में आया कि पुज्जू भाई रोहित शर्मा आया, पहला छक्का, पहला नहीं दूसरा छक्का, क्या कनेक्ट करी, और कवर्स के ऊपर से छक्का। बात मैं पुज्जू भाई की कर रहा था, लेकिन रोहित शर्मा बोले मुझे मत बोलो, इस इनिंग्स का इकलौता छक्का मैंने मारा है, और ये दूसरा भी छक्का मेरे ही बल्ले से। फायदा नहीं उठा पाया यार, इतनी अच्छी बॉल थी ये। 200 रन की पार्टनरशिप इज फाइनली अप ऑन द बोर्ड। नहीं यार, इतना पास था यार 150 के, और सैंटी बॉय ले गया यार, इतनी बढ़िया इनिंग्स खेल रहा था। हाँ एज तो है ही, क्यों रिव्यू वेस्ट करूं यार। रोहित शर्मा यार बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली यार, बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली। कप्तान साहब फील्ड पे आते हुए, ये और इसके बाद वाले सेशन के बाद में तो यार डिक्लेयर करना ही पड़ेगा मेरे को, क्योंकि फिर सेकेंड इनिंग्स भी तो खेलनी है ना। एक तो न्यूजीलैंड ने सेकेंड डे पूरा खेल के ना पूरा ये टेस्ट मैच ही खराब कर दिया है। पिछले ओवर में एक चीज का मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और वो ये कि इंडिया के 400 रन हो चुके हैं, और लीड हमारी ऑलमोस्ट 70 रन के आसपास की हो गई है। गैप में अगेन, और पुज्जू भैया का एक और चौका। फुल लेंथ तो डालो ही मत पुज्जू भाई को, इतने बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, 136 पे खेल रहे हैं, और तुम फुल लेंथ डालोगे। यो इतना बड़ा मिस जज पुज्जू भाई, अबे नहीं यार। रिव्यू कर रहा हूं मैं, क्योंकि भाई इतना बड़ा विकेट है यार, रिव्यू बर्बाद, दोनों के रह गए यार, ना पुज्जू भैया के हुए ना ही रोहित शर्मा के हुए। लेकिन क्या पार्टनरशिप थी यार 200 रन की डे 3 के ऊपर, जहां अभी हम खड़े हैं सिर्फ इन दो ओपनिंग पार्टनरशिप्स के बेसिस पे ही खड़े हैं। ऋषभ पंत भैया को प्रमोट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे काफी अटैकिंग शॉट्स की जरूरत है, एंकरिंग करेंगे, इसके बाद में विकेट गिरेगा तो रहने भैया। एक और एज पर गैप में थी, बच गए बॉल बॉल। कोहली भैया 7 रन 4 बॉल, लेग साइड पूरी खाली है, और नील वैगनर वापस वही गलती कर रहा है, उठा दिया है डाउन द ग्राउंड, 6 रन मिल जाएंगे, और बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, 84 मीटर का छक्का, इस मैच का तीसरा, और कोहली भैया के बल्ले से पहला। नील वैगनर, और एक बार नजर डालो ऊपर फील्ड पे डाउन द ग्राउंड, जहां पे एक लौता गैप खाली था लेग साइड के अंदर, वहीं से ही चौका नहीं बटोरा है यार, 2 रन ही बटोर पाए। जस्ट देन ओए एक और विकेट, अबे यार
इजी गैप में अगेन बहुत बड़ा गैप था और खराब गेंद और दोगे तो चौके तक तो जानी है। दोनों बल्लेबाज अच्छे से जानते हैं कि नीड ऑफ द आवर क्या है और किस रन गति पे बनाने हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि दो विकेट भी नहीं तीन विकेट एक साथ गिर गए हैं। गैप में अगेन और एक चौका मिलेगा कप्तान कोहली को। वही नहीं, क्या फील्डिंग कर रहा है ये, कैच था क्या ये, जस्ट इसके आगे टिप्पा खाई है बॉल, ये देखो हवा में थी इतनी देर तक, यहां टिप्पा खाई है, ओए फिर से कैच छोड़ दिया, पहले कोहली इस पर रहा नहीं, इसमें देखेंगे। ये देखो हाथ में थी गेंद उसके, सैंटिविया वापस आ गए एक नए स्पेल के साथ में और बहुत ही आराम से खेलना होगा और इस बार तो एक सिली मेडॉन भी लगा रखा है। Just then. और आज के बाकी ओवर है 44 और ये सेशन भी मेरे ख्याल से अब खत्म ही होने वाला है। अभी नहीं, क्या कैच पकड़ा है यार, एक हाथ से यार तगड़ा कैच पकड़ा है वॉटलिंग ने यार, और बिखरती हुई टीम इंडिया यहाँ पे यार। तो सेशन वन यहाँ पे खत्म हो गया है, लेकिन पुज्जू भैया, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, इन चारों को हमने खो दिया है फर्स्ट इनिंग्स के लिए। क्रीज के ऊपर बने हुए जडेजा और अजिंक्य रहाणे। आई होप अजिंक्य को जिंक्स ना कर दे और जड्डू आज अपनी तलवार एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार चलाए, हो सकता है उसे ज्यादा बार भी चलाए पर मेरे को लग नहीं रहा इतना टाइम बचेगा। तो फटाफट से ये दूसरा सेशन शुरू करते हैं। दूसरे सेशन की पहली बॉल शुरुआत करेंगे ट्रेंट बोल्ट, और बढ़िया बॉल डाली यार, जड्डू भैया भी एक बार हक्के बक्के रह गए थे। ओह या फुल टॉस गेम और रहाणे भैया ने बहुत बढ़िया तरीके से कैपिटलाइज किया उसके ऊपर और 6 रन ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। और नई गेंद थमाई गई है नील वैगनर को, हमारे फेवरेट बल्लेबाज बॉलर। और ये रीजन है क्योंकि ऐसे शॉट्स हमें खेलने को मिलते हैं, कनेक्ट होए ना होए वो बात अलग है, लेकिन इन्हीं के ओवर में ऐसे शॉट्स खेलने को मिलते हैं हमें। ये चली जानी चाहिए यार, ये पक्का से चली जानी चाहिए चौके के लिए और बढ़िया। नहीं 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 नहीं, गलत गेंद हो गए तो नहीं छोड़ने वाले जड्डू भैया। गुड लैंड डिलीवरी लेग में और वहीं की फील्ड खाली छोड़ रखी है, बाहर है, बहुत बाहर है, मत लेना खराब हो जाएगा, मत लेना खराब हो जाएगा, ले लिया इन्होंने। पिचिंग आउटसाइड ऑफ, इम्पैक्ट इज आउटसाइड ऑफ और इनका रिव्यू इसी के साथ खराब, विकेट सिटिंग थी यार। अब देखना होगा अगली बॉल कहाँ पे थमाते हैं रहाणे भैया। गैप में गेंद और ये 4 रन मिल जाएगा, दो बार उसी जगह पे गेंद और एक और चौका, और उसी चौके के साथ में 50 रन की पार्टनरशिप भी हो गई है जड्डू भैया और रहाणे की। तीसरी बार हैट्रिक चौका, फेवरेट बॉलर के सामने 50 को स्टाइल में पूरा करेंगे। यस इट्स अ सिक्स। और 50 के साथ में 500 रन भी पूरे हो गए हैं। और ये देखो वैगन व्हील रहाणे भैया का कुछ अलग है इस बार दिखाने के लिए, एक मिड ऑफ पे छक्का और एक पॉइंट्स के ऊपर से छक्का। Just then. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. दिन नहीं था जड्डू भैया का, सेट हुए शॉट्स मारने की कोशिश करी लेकिन एक चौका और सिर्फ 13 रन बना पाए, पर कोई बात नहीं, अपना कंट्रीब्यूशन बॉलिंग में वो वैसे भी दे चुके हैं। रहाणे भैया नहीं नहीं, वो बच गए बच गए। अरे ये क्या शॉट मारा है अभी यार, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। अभी नहीं, अश्विन भी आउट यार, गलत गैप ढूंढा यार, थोड़ी सी ऊपर मारनी चाहिए थी यहाँ पे, बिखर गई है पूरी टीम और 177 की ही लीड मिल पाई है अभी तक हमें। Eventually. पैरों में गेंद थी और पूरा फायदा उठाया उसका, 4 रन मिल जाएंगे इसके ऊपर, आई होप सो। पिछली दोनों बॉल इसने सिराज को यॉर्कर दिए जो कि फुल टॉस बना के आराम से छक्का पड़ सकता था, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था और रहाणे भैया के आते ही एकदम गुड लेंथ पे आ गया। शॉट बढ़िया कनेक्ट हुआ है, सिंगल ही मिलेगा, लेकिन 200 की लीड हो चुकी है अब इंडिया की और यहाँ से जितने बन जाए इस सेशन के अंदर वो हमारे लिए बोनस पॉइंट्स हैं, क्योंकि 200 की ही लीड मैंने आसपास सोची थी।
तो अब दोनों तरफ से बहुत अटैक होने वाला है, तो लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी जाके लाइक कर दो, क्योंकि मज़ा अब और ज़्यादा आने वाला है। वैगनर आ गया सामने और रहने भी आए 88 पे, इस ओवर में सेंचुरी। यहाँ दो मिल जाएंगे और रहने भी आ, नहीं 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 यार, इतनी बढ़िया बॉल दी थी, हो क्या बढ़िया पुल निकाला है यार, लगता है रोहित शर्मा के साथ बैठ रहा है आजकल सिराज। ओए होए सिराज भाई क्या हो गया क्या कनेक्ट करिए यार, तगड़ी 6 रन तो नहीं मिले लेकिन बहुत बढ़िया शॉट था यार ये। और सेशन यहाँ पे खत्म हो गया है, सेंचुरी रह गई यार 10 मिनट के लिए, हम बाहर आएंगे सिर्फ और सिर्फ रहने भैया की सेंचुरी के लिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। गैप में अगेन और आते ही रहने भैया काम पे लग गए हैं, 4 रन बचे, yes! एक चौका दूर अपनी no! सेंचुरी से, no! 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 और ड्रॉप्ड और अब सिर्फ 2 रन दूर है रहने भैया अपनी सेंचुरी से। थैंक यू टेलर्स, थैंक यू सो मच, सारे फील्डर्स को पीछे कर दिया है, गेंद कहाँ आएगी, सिंगल ले लिया है दूसरे के लिए भाग गए हैं और सेंचुरी कंप्लीट हो गई इसी के साथ में, चौथी सेंचुरी इसी इनिंग्स की। एक और वैगन व्हील जो कि 050 और फिर पहुंचा 108 पे, और रहने भी हमारे जाएंगे यहाँ से नॉट आउट, क्योंकि अब आ रहा है हमारा डिक्लेरेशन। तो मैच समरी आपके सामने है, लास्ट सेशन बचा है इस दिन का, 580 पे 7 डिक्लेयर्ड, रहने 108 नॉट आउट। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट कर लो, क्योंकि अंदाजा लगा लो इसी स्कोर कार्ड से कि डे 5 कितना ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वाली वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय।